विश्वविद्यालय में छापे के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी, उसमें आज सुनवाई हुई। क्या कोर्ट ने कहा, क्या बोलिए? मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की तरफ से आज एक अलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। दैट वाज अगेंस्ट जो 30 तारीख और 31 तारीख को इलीगल रेड पुलिस ने कंडक्ट करी है उसके खिलाफ। उसमें ना कोई सर्च वारंट दिखाया गया और जो कुछ रिकवर हुआ उसका कोई सीजर मेमो नहीं बनाया गया, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई परमिशन, कोई ऑर्डर नहीं उन पुलिस टीम के पास था। डिस्पाइट दैट वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पूरी यूनिवर्सिटी पुलिस की टीम गई, जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स थे उन्हें बाहर निकाला, अंदर से बंद किया, कुछ बक्से लेकर गए बंद बक्से लाइब्रेरी के अंदर और वही बंद बक्से लाइब्रेरी के बाहर ले आए। न्यूज़ से पता चला है कि 2500 किताबें बरामद हुई हैं। यूनिवर्सिटी के 5 ऑफिशियल्स को उन्होंने पहले दिन अरेस्ट किया, फिर 31 तारीख तक ये प्रक्रिया उन्होंने कंटिन्यू रखी। अलग अलग डिपार्टमेंट में गए, चांसलर ऑफिस का उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के वहाँ जितने दस्तावेज थे सबको उन्होंने कॉन्फिसिकेट कर लिया और उन्होंने कोई रिपोर्ट उसकी नहीं बनाई। एंड दैट वाज इन एब्सेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल एनी अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो उसके विरुद्ध यहाँ याचिका दाखिल हुई, कोर्ट ने उसकी सुनवाई करी है और स्टेट ने कोर्ट से वक्त मांगा है कि इसकी पूरी रिपोर्ट जो है पूरे इंस्ट्रक्शन सीख करके ट्यूसडे को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। किसी भी कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है जब तक ट्यूसडे तक, जब तक स्टेट के तरफ से पूरी उसकी डिटेल नहीं आ जाती है, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आ जाता है, तब तक कोई कोर्सिव एक्शन स्टेट नहीं लेगी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ या उसके प्रमाइसिस में। ये अंडरटेकिंग एडिशनल एडवोकेट जनरल की तरफ से कोर्ट में उन्होंने दिया है कि ट्यूसडे तक हम लोग कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। सफदर अली काजमी, एडवोकेट। आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या आपने पक्ष रखा है सरकारी में? आज कोर्ट में रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से याचिका दायर हुई थी। याचिका में हमने चैलेंज किया था जो इलीगल रेड कंडक्ट कर रही है राज्य सरकार अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 30 और 31 तारीख को यूनिवर्सिटी में बिना सर्च वारंट के यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस घुसी सैकड़ों की संख्या में। अंदर उन्होंने जाके लाइब्रेरी में अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि लाइब्रेरी के अंदर और जितने यूनिवर्सिटी ऑफिशियल थे सबको निकाल दिया, कुछ बक्से लाइब्रेरी के अंदर ले गए, वही बक्से बाहर ले आए। अगले दिन ये सर्च फिर जारी रही, फिर ना कोई सर्च वारंट इशू हुआ और ना बिना किसी परमिशन के यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट में गए। यूनिवर्सिटी के जो कमरे बंद थे इंक्लूडिंग चांसलर ऑफिस और उसका दरवाज़ा तोड़ के सारे दस्तावेज को एक अगर इलीगल है तो चोरी की नियत से जिसे कहा जा सकता है सब समेट के ले गए, सब कॉन्फिसिकेट कर लिया है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जो याचिका पेश की, स्टेट ने टाइम सीक किया है ट्यूसडे तक का कि इस पर पूरा अपने इंस्ट्रक्शंस मंगाए, ये कैसे किया, क्यों किया और कोर्ट के सामने उसे पेश करना पड़ेगा। और ट्यूसडे तक कोई कोर्सिव एक्शन स्टेट नहीं लेगी, ये अंडरटेकिंग स्टेट के तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को अंडरटेकिंग दी है कि कोई इलीगल एक्शन अब नहीं लिया जाएगा जब तक कोर्ट के सामने पूरी बात ना आ जाए। सफदर अली काजमी, एडवोकेट।